प्रतापगढ़ के विधानसभा प्रत्याशी गुलशन यादव को प्रयागराज पुलिस ने किया गिरफ्तार। नीरज चोपड़ा के भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल लाने के बाद वाराणसी के लोगों में भी जश्न का माहौल था। वाराणसी के लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां बांट अपनी खुशियों का इजहार किया। हंगरी में जिस तरह से एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, आज उसकी पूरे हिंदुस्तान में हर व्यक्ति के मन में खुशी व्याप्त है और इस खुशी को जाहिर करने के लिए हम लोगों ने आज मिठाई खिलाकर एक दूसरे को नीरज चोपड़ा को बधाई दी। और नीरज चोपड़ा जी ने जिस तरह से खिलाड़ियों का सम्मान बढ़ाया, हमारे हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ाया, इससे आज आम जनता, आम व्यापारी, आम नागरिक पूरी तरह से खुश है। रक्षाबंधन के त्यौहार में चंद्रयान 3 के राखी के आगे आर्टिफिशियल राखी फीकी पड़ गई। बताते चले कि दुकानदारों ने बताया कि जब से भारत का चंद्रयान मिशन सक्सेस रहा तब से लगातार मार्केट में कस्टमर चंद्रयान राखी खोज रहा और इसी को देखते हुए हम लोगों ने चंद्रयान राखी बनवाकर बेचना शुरू किया और इस वक्त मार्केट में चंद्रयान राखी की धूम है और हर कस्टमर चंद्रयान की डिजाइन वाली राखी ही मांग रहे हैं। कि हम व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग चाहता है कि कोई भी आकर्षण हो, पहले बॉलीवुड के स्टार आकर्षण हुआ करते थे, सलमान खान हुए, आमिर खान हुए, अमिताभ बच्चन हुए, लेकिन धीरे धीरे जब देश के प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी लोकप्रिय हुए, देश के हमारे हृदय सम्राट योगी जी लोकप्रिय हुए और अभी चंद्रयान लैंडिंग किया हुआ है, तो हमारे विचार मन में आया कि मोदी योगी राखी बनाते साथ साथ चंद्रयान की राखी बनाएं। और राखी हमने बनाई, लेकिन पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग कस्टमर्स को पसंद भी कर रहे हैं।